आज के वीडियो में जमीन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आपने कोई भी जमीन खरीदी है, उसकी रजिस्ट्री करा ली है, तो आप उस पर कानूनी रूप से कब कब्जा कर सकते हैं और कब आपको कब्जा कर लेना चाहिए, जिससे बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। देखिए, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आज की जनरेशन में बहुत अधिक बेईमान लोग पड़े हैं और कई रजिस्ट्री, देखिए कई केस तो ऐसे भी होते हैं जिनमें घर से जो पार्टी जो होती है वो ज़मीन बेचने के लिए आती है और जाते जाते स्टाम्प शुल्क भी खरीद लिए जाते हैं और एंड टाइम जब रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं तब वो रजिस्ट्री करने से मना कर देते हैं। भाई बात बात पे इंसानों का जो है, बेईमान लोगों का दिमाग जो है बदलता रहता है, इसलिए आपको जान लेना ज़रूरी है कि रजिस्ट्री आपको कराने के बाद कब आप कानूनी रूप से कब्जा ले सकते हैं और कब आपको ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप ज़मीन से जुड़ी और ही महत्वपूर्ण जानकारी अगर चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ज़मीन के बारे में बहुत ही अधिक ज़रूरी जानकारी मिलेंगी जो कि कोई आपको पैसे देकर भी नहीं बता सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि मान लीजिए आप कोई भी ज़मीन, सपोज़ दैट मान लीजिए आपने कोई ज़मीन जो है वो ए व्यक्ति से आपने ज़मीन जो है वो खरीद ली। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यही राय दूंगा कि जब आप ज़मीन ए से ख़रीदते हैं तो यहाँ पर आप एग्रीमेंट कर लें। देखिए, क्योंकि भाई आप पैसा दे रहे हैं, जो भी ज़मीन या आप जो भी ये ज़मीन ख़रीदेंगे इसका आप पैसा दे रहे हैं। भाई फ्री में तो ज़मीन खरीद नहीं रहे हैं और आजकल बेईमानियों की कमी नहीं है, इसलिए आप जब ए से ज़मीन ख़रीदें तो आप एक एग्रीमेंट बनवा लें। जब पैसे आप देते हैं, जैसे मान लीजिए 5 लाख में ज़मीन तय हुई आपकी, और जब आप 1 लाख या 2 लाख रुपए नगद देते हैं तो आपको एक एग्रीमेंट जो है वो आपको बनवा सकते हैं, जिसे हम करारनामा भी कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो आप एग्रीमेंट करा सकते हैं कि भाई इतने में ज़मीन तय हुई है, 1 लाख रुपए मैंने दे दिए हैं, इतनी तारीख तक सारे पैसे दे दूंगा। देखिए, इससे बाद में क्या होती है, बाद में जब सपोज दैट कई लोग ये ऑब्जेक्शन करने लगते हैं कि भाई ये जो है रजिस्ट्री इसके पूरे पैसे नहीं दिए, तो ये जो है आपने जो करार किया था ये आपके बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, पहला तो भाई ये हो गया। दूसरी बात ये है, आपने करारनामा किया और उसके बाद जब आप पूरे पैसे देते हैं, इस ज़मीन की रजिस्ट्री करवा लेते हैं, जो भी ये ज़मीन है इसकी रजिस्ट्री आप जब भी करवा लेते हैं, तो जिस दिन आपने रजिस्ट्री करवाई, जिस दिन ए ने भाई रजिस्ट्री ऑफिस गया, बयान दे दिए और जो भी वहाँ पर ई स्टाम्प होता है आपने स्टाम्प शुल्क पे कर दिया, और जो भी वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो अंगूठा लगवाते हैं, साइन करवाते हैं, वहाँ पर पूरी डिटेल लिखी होती है कि मैं इतने पैसों में स्वस्थ चित्त दिमाग से बी को ज़मीन बेच रहा हूँ, और जो भी ज़मीन का रेट है, और उस पर साफ साफ लिखा होता है कि मैंने अपने जो भी, देखिए भूमि अंतरण का मतलब क्या होता है, जो भी जो रजिस्ट्री जो होती है भूमि अंतरण, इसका मतलब ही होता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए को बी के ए ने बी को संपत्ति बेची है तो यहाँ पर बी के नाम संपत्ति ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, तो ये सारी बात और सारी शर्तें मंजूर करेगा कि भाई मैंने आज से ही, रजिस्ट्री में सारी बातें लिखी होती हैं कि मैंने आज से ही बी को जो भी मेरा कब्जा है वो दे दिया है। और देखिए, रजिस्ट्री में वो भी बातें मेंशन हो जाती हैं, जो भी पेड़ है, अगर जैसे मान लीजिए ए ने इस ज़मीन की रजिस्ट्री की है, ये ज़मीन जो है इसकी रजिस्ट्री की है ए ने, तो जो भी इसमें पेड़ पौधे बोरिंग जो है वो सारी विवरण जो है वो रजिस्ट्री में लिख दिए जाते हैं कि ये इसमें चीज है, इसका भी अंतरण हो रहा है, और जो भी ए के हित हैं उसमें, ए के जो भी हित हैं, जो भी फायदा है, जो भी कब्जा है, सारा मालिकाना हक जो है, जो भी ए को प्राप्त है उससे फायदा, जो कुछ भी प्राप्त है वो बी को प्राप्त हो जाता है उसी दिन से जिस दिन ए ने बी को रजिस्ट्री करा दी है। ठीक है, तो बी जो है जिस दिन रजिस्ट्री कराई उसी दिन से इस संपत्ति का मालिक बन जाता है और उसे कब्जा भी करने का कानूनी रूप से अधिकार हो जाता है। ठीक है, और देखिए इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी हो सकता है, अगर मान लीजिए ये जो ज़मीन जो है वो कृषि की ज़मीन है, तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई फसल खड़ी है, ठीक है, अब ये ने कहा भाई जैसे मान लीजिए कोई फसल खड़ी है, तो आप रजिस्ट्री में ये बात भी मेंशन करा दें कि इस पर जो फसल है ये भी मैंने इसका भी अंतरण कर दिया है बी को। ठीक है, तो बी जो है इस फसल का भी मालिक हो जाएगा और जब वो फसल पक जाएगी तो बी को ही प्राप्त होगी, कानूनी रूप से बी उसका मालिक हो जाएगा।
तो दोस्तों अगर आपकी और भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और कमेंट से